श्री रामकृष्ण की जन्म दिवस पर विवेकानंद सेवा आश्रम में गरीबों के बीच किया गया वस्त्र वितरण। चंदन क्यारी प्रखंड के रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम योगिनी में हर साल की भांति इस साल भी ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की जन्मदिन पूजा में गरीब लोगों के बीच नया वस्त्र का वितरण किया गया। सेवा आश्रम के सचिव सुकुमार मुखर्जी की अगुवाई में जिला परिषद सदस्य अंबिका देवी ने वस्त्र वितरण कार्यक्रम किया। वस्त्र मिलने की आस में गरीब बुजुर्ग दूर दूर गाँव से पहुंचे थे। विवेकानंद सेवा आश्रम के सदस्यों द्वारा सभी गरीब लोगों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। इससे पूर्व आश्रम में भजन कीर्तन, पूजा, चंडी पाठ एवं पुष्पांजलि दिया गया। उसके बाद आसपास के सैकड़ों गरीब एवं बच्चों के स्कूल के बच्चों को खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। आश्रम सदस्यों ने कहा, वस्त्र वितरण के अलावा गरीब बच्चों को पढ़ाई, लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण, हर सप्ताह आश्रम की ओर से निःशुल्क मेडिकल जांच दिया जाता है एवं हर साल अगस्त महीने में अत्यंत गरीब लोगों को कंबल वितरण किया जाता है। इस मौके पर संचालक मिहिर चंद्र मुखर्जी, रामपदोदास भीम गोराई, अमर ठाकुर, सुगेश मुखर्जी, प्रतिमा देवी, जनार्दन बाबा पदो समेत आश्रम सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद रहे। जय श्री राम कृष्ण। आज ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का 188 जन्म दिवस है। ये जन्म दिवस जोगीडीह में जो अभी मनाया जा रहा है, कहे कि धर्म का मूल उद्देश्य सेवा तथा धार्मिक होना, मतलब अपने को मंत्र बनाना। जैसे रामकृष्ण मंत्र है, राम मंत्र है, राम एक मंत्र है जपा जाता है, अभी बुद्ध एक मंत्र है, तो मंत्र बनना ही उद्देश्य है, न कि प्रलोभन दे करके झूठा आदमी को फंसा करके, किसी का लूट करके और बहुत बड़ा आरंभर करके दिखा देना, दिखावटी नहीं करना। ठाकुर परमहंस ने एक फटा हुआ एक कपड़े में पूरे विश्व को संवाद दिया कि मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना। मनुष्य का सेवा अगर नहीं करोगे तब तुम किसी भी धर्म के बारे में जानते ही नहीं है, क्या कि मनुष्य ही ईश्वर है। स्वामी जी का भी यही कहना है या जितने भी अवतार हैं उनका यही कहना है। ठाकुर उसी के लिए नरेंद्र नाथ को तैयार किए थे और पूरा विश्व में यही फैलाए कि उदार होकर आदमी को सेवा करो, न कि कपटता से सेवा करके एक तरफ लूट करो। ये भावना अगर हमारा भारतवासी या विश्व में नहीं फैलेगा तो कभी भी शांति नहीं होगी। आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है? आज हमारे यहाँ सवेरे से ठाकुर का नाम कीर्तन, भजन, चंडी पाठ और दरिद्र नारायण की सेवा और प्रसाद वितरण, पूजा आदि सब किया गया। आज समूचा गांव से या हमारा अगल बगल के गांव से भी सभी आदमी आकर के पूरे उल्लास के साथ इस रामकृष्ण परमहंस देव की जन्म को मनाया, जिससे अगर 10 भी आदमी का शिक्षा मिली, सही शिक्षा मिली, ये 10 सैकड़ों में परिवर्तित होकर पूरा भारतवर्ष को उजागर कर सकता है। यही मेरा कहना है कि धार्मिक बनो और आदमी का सेवा करो, निष्कपट होकर सेवा करना ही धर्म है। दिन जो है ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जी का जन्मदिन, इस दिन में हर आश्रम जहाँ जहाँ है और ऑल ओवर इंडिया और विश्व में हर जगह ठाकुर जी के पूजा, विशेष पूजा, मंगल आरती, होम, चंडी पाठ तथा नूतन वस्त्र वितरण, दरिद्र नारायण सेवा इत्यादि किया जाता है। हमारे जोगीडीह आश्रम में हम सभी सदस्य एवं हमारा यहाँ के जितना भक्त हैं सब मिलजुल के हम लोग सवेरे मंगल आरती किए, उसका बाद ठाकुर जी के कथामृत पाठ किए, कथामृत भजन कीर्तन किए, उसका बाद विशेष पूजा 9 बजे से हम लोग चंडी पाठ स्टार्ट कराए, चंडी पाठ 12 बजे 1 बजे तक चला, उसके बाद होम आरती हुआ। होम आरती होने के बाद दरिद्र नारायण विकलांगों के बीच यथासंभव नूतन वस्त्र वितरण किया गया। साथ साथ हमारे यहाँ के जो जन जिला परिषद के प्रतिनिधि अंबिका देवी ने कुछ गर्म वस्त्र भी दान किया और हम सभी का उद्देश्य है जत्र जीव तत्र शिव, शिव भाव मन भाव में हम लोग जीव का सेवा किए और ये सेवा हम लोग को ठाकुर बोलते हैं तुम दया करने वाले कौन होते हो, तुम सेवा करो और यही सेवा मनोभाव में हम लोग आज इस सेवा को किए और सेवा मनोभाव से यह कार्यक्रम को समापन।